हेलो डियर व्यूवर्स वेलकम टू दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द सेकंड पार्ट ऑफ द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फों डॉडी इन द फर्स्ट पार्ट वी एट द एंड वी केम टू नो कि मिस्टर एम एम एल ही सीम टू रिप्रोच एवरीबडी उन्होंने रिप्रोच मींस होता धिक्कारना उन्होंने बच्चों के पेरेंट्स को भी धिक्कारा रिप्रोच किया कि तुम्हारे जो पेरेंट्स कभी तुम्हारी पढ़ाई के बारे में चिंतित नहीं थे उन्होंने तुम्हें खेतों पर काम करने के लिए या मिल पर काम करने के लिए ज़्यादा कोशिश की ज़्यादा प्रेफर किया और क्योंकि वो कुछ और पैसा कमाना चाहते थे और फिर अपने आप को स्वयं को भी रिप्रोच करते हैं एंड आई आई हैव सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ़ लर्निंग योर लेसन्स तो क्या मैंने तुम्हें फ्लावर्स में अपने फूलों में पानी पढ़ाई के अलावा सीखने के अलावा सीखने के बजाय मैंने तुम्हें फूलों पर पानी डालने के लिए नहीं भेजा और जब कभी मैं फिशिंग करने जाता था तो मैं छुट्टी देता था तुम्हें तो हियर द सेंस ऑफ यू नो रेकलेसनेस और सेंस ऑफ पोस्पोनमेंट इज रिफ्लेक्टेड तो टालने की जो प्रवृत्ति होती है द हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ पुटिंग ऑफ मीस होता है प्रोग्रास्टिनेशन uh, या पोस्टपोनमेंट तो टालने की आदत यहाँ पर से रिप्रोच कर रहे हैं अपने आप को आगे देखते हैं देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेम एल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज फिर एक एक बात वो एक दूसरी चीज़ें एक बात एक चीज़ से दूसरी चीज़ें उनके बारे में वो कह रहे हैं और फिर फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, बारे में बात कर रहे हैं इज़ टॉकिंग अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज को अप्रिशिएट करते हैं इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है सबसे स्पष्ट भाषा है और सबसे तर्क संगत भाषा है मोस्ट लॉजिकल मोस्ट ब्यूटिफुल मोस्ट क्लियरेस्ट मोस्ट लॉजिकल दट वी मस्ट गाट इट और हमें इसे अवश्य इसकी रक्षा करनी चाहिए अपने में एंड नेवर फॉगेट इट और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देर प्रिजन अब यहां पर बहुत ही एक सजेशन दिए हैं इन्होंने क्या सजेशन दी है कि वन अ पीपल आर एनस्लेब एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देर प्रिजन मिस्टर एम हैमल ने बताया कि हमें अपने इस सुंदर सबसे जो ब्यूटिफुल लैंग्वेज है सबसे स्पष्ट है सबसे तर्क संगत भाषा है फ्रेंच लैंग्वेज इसको इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए क्योंकि वेन अ पीपल आर इंसलेब्ड आ पीपल आ पीपल रिफर्स टू पूरे कम्युनिटी को बताया गया एक नस्ल को एक एथनिक सोसाइटी को बता कहा गया है तो अ पार्टिकुलर सोसाइटी वो आर स्पीकिंग नो सम पार्टिकुलर लैंग्वेज इस कॉल एथनिक सोसाइटी या अ पीपल तो जब किसी एक नस्ल को बन, गुलाम बनाया जाता है एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज जब तक कि वो अपनी भाषा से चिपके होते हैं तो अपनी भाषा को भूलते नहीं हैं तो इट इज एज इफ दे हैड द की टू दे एक तरह से मानो कि एक उनके जेल की चाबी होती है उनकी तो जो लैंग्वेज होती है उसकी अपनी जेल की चाबी होती है देन ही ओपेंड अ ग्रामर एंड रीड एस अवर लेसन तो यहाँ पर बहुत ही रिमार्केबल सजेशन दी है एम एम एल ने कि जब किसी नस्ल को बंदी बनाया जाता है और वो लोग अपनी भाषा को कभी छोड़ते नहीं हैं ऑलवेज गेट इन टच इन देयर ओन लैंग्वेज तो इन द लॉन्ग रन दे आर गोइंग टू सेट देम सेल्फ फ्री फ्राम द यू नो फ्राम द पीपल बाय होम दे आर ओवर पावर्ड और इन तो एक तरह से एक चाबी का काम करता है लैंग्वेज का हाँ फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और रीडर्स अवर लेसन और हमें अपने लेसन को पढ़ाया आई वॉज़ अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट और मुझे हैरानी थी कि मैंने कितने अच्छे से उसको पढ़ा और उसको समझा आगे देखते हैं ऑल ही ऑल ही सेड ऑल ही सेड सीम्स सो ईजी सो ईजी I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. पेशेंस और मैंने देखा कि मैंने कभी इतने ध्यान से उनकी बातों को नहीं सुना और उन्होंने कभी भी इतनी पेशेंस से इतनी सहनशीलता धैर्य से उन्होंने कभी नहीं समझाया इट्स सीम्ड ऑल्सो एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इन टू योर अवर हैज्स एट वन स्ट्रोक ऐसा लगता था कि वो बेचारा व्यक्ति मतलब एम एम एल वो जाने से पहले जो उनके दिमाग में उनके जो नॉलेज थी वो एक ही झटके में हमारे सिर में वो डालना चाहते थे व्हाट एवर नॉलेज ही हैड व्हाट एवर इन्फॉर्मेशन हीड ही जस्ट वांटेड टू इम्पार्ट एस नैक्स्ट आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग ग्रामर के बाद में हमने राइटिंग का लेसन किया दैट डे एम एम एल है ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस एल एल फ्रांस एल उस दिन वो नई कापी हमारे लिए लाए थे एम एम एल और इसमें गोल गोल घुमावदार सुंदर अक्षरों में लिखा था फ्रांस एलजेस फ्रांस एलजेस दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क वो ऐसे लगता था कि जैसे हमारे स्कूल रूम में कक्षा में जो झंडियाँ लगी लटकी हुई थी उस तरह लग रही थी जो घुमावदार लिखा हुआ था डेस्क पर यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज तो आपको देखना चाहिए कि सब लोग कितने भली बात सब अपने काम पर लगे हुए थे एंड कितनी शांति थी हाउ क्वाइट इट वॉज द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर केवल लिखने की आवाज आ रही थी बाकी सब कुछ शांत था वंस सम बीटल्स फिलव इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंस टू कभी कभार कीट कीड़े जो उड़ कर अंदर आ जाते थे और फिर भी कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता था यहाँ तक कि छोटे बच्चे लिटलेस्ट वंश जो फिश हुक को संभाल रहे थे देख रहे थे मानो कि वो भी एक लैंग्वेज हो फ्रेंच लैंग्वेज वो भी ध्यान नहीं देते थे ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स छत पर कभी कभार कबूतर वो कूइंग कर रहे थे गुटरगू कर रहे थे और स्वयं मैंने सोचा मैंने विचार किया राइटर ने विचार किया फ्रेंच ने विचार किया कि क्या जर्मन पीपल उनको भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे कबूतरों को भी तो जब कभी क्वेश्चन को पॉजिटिव में पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होता है आंसर नेगेटिव होगा इसका मतलब हुआ दे आर नॉट कैपेबल टू मेक देम सिंग इन जर्मन लैंग्वेज बिकॉज दे आर बर्ड्स नॉट ह्यूमन बींग्स एंड दे डू नॉट हैव एनी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज दे हैव देयर ओन लैंग्वेज बट नॉट द लैंग्वेज विच इज़ यूज ऑन द प्लेनेट अर्थ नेक्स्ट वेन एवर आई लुक ड फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेम एल सिटिंग मोशनलेस इन हिस चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर तो जब कभी मैं ऊपर लिख, लिखते हुए मैं एम हेम को देखता था तो वो बिल्कुल स्थिर थे मोशनलेस बिना कोई हरकत किए हुए बैठे हुए थे चेयर पर एक के बाद दूसरी चीज़ों को देख रहे थे निहार रहे थे वॉज लुकिंग एट ईच एंड एवरी थिंग as इफ़ ही wanted टू फिक्स इन his माइंड जस्ट हाउ everything looked in इन द लिटिल स्कूल रूम मानो कि वो अपने दिमाग में इन चीज़ों को कैद करना चाहते थे कि क्लास रूम में स्कूल रूम में चीज़ें कैसी थी सारी दिखती थी फैंसी फॉर फोर्टी ईयर्स ही हैड बीन देर इन द सेम प्लेस विद इज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम यह आशर की बात है कि चालीस साल तक वो एक ही जगह पर पढ़ाते रहे और उनका छोटा सा ब्यूटीफुल गार्डन था जिसको उन्होंने ही डेवलप किया था जो कि खिड़की से दिखता था जो क्लास के सामने ही था और खिड़की से दिखता था तो हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड ही डेवलप्ड हिमसेल्फ ही प्लांटेड ऑल द ट्रीज वॉलनट ट्री एवरीथिंग सी जस्ट लाइक दैट हाँ ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वन स्मूथ केवल डेस्क और बेंचेस जो थे पुराने होकर वो चिकने हो गए थे इट वॉज स्मूथ द वॉलट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंद अबाउट द विंडोज टू द रूफ वॉलट ट्रीज जो अखरोट के पेड़ उन्होंने लगाए थे गार्डन में वो और बड़े हो गए थे टॉलर हो गए थे और होप वाइन जो जो लताएं थीं पौधों की होप वाइन की लताएं जो थीं वो बड़े होकर और खिड़कियों से होकर छत पर पहुंच गई थी हाउ इट ऑल पुअर मैन तो उस बेचा वो बेचारा व्यक्ति मतलब एम हेम एल वो कितना उसका दिल टूट गया होगा कि उसे अब यहाँ से जाना था टू हीयर ही सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे और जब उन्होंने सुना होगा अपनी बहन को आ, सारी चीज़ें पैक करते हुए बड़े बॉक्स में ट्रंक्स में ठीक है कि अगले दिन उन्हें अब जाना था वहाँ से तो कितना उसका दिल टूटा होगा हाउ मच ही वॉज हार्ट ब्रोकेन नेक्स्ट बट ही हर द करेस्ट टू हीयर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बे भी बो भू लेकिन उनके अंदर हर लेसन को सुनने का हर अंत तक सुनने का साहस था और राइटिंग के बाद में हमारी हिस्ट्री की लेसन थी दिन बच्चों ने चीज़ों को बोलकर पढ़ा चैंड किया बा ba, Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, He spelled the letter with them. And down there at the back of the room, नीचे कमरे के पीछे बिल्कुल old Hauser बैठा हुआ था जो put on his spectacles, जो अपने चश्मे लगाए हुए थे और एक कायदा मतलब primer book लिए हुए थे ए बी सी डी की बुक लिए हुए थे अपने दोनों हाथों से और उसको स्पेल कर रहे थे लेटर्स को उसकी हिज्जे लगा रहे थे स्पेलिंग द लेटर्स यू शुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग आप देखेंगे देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे ही वाज क्राइंग हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन उनकी आवाज भावना भावना से प्रभावित होकर भावुक होकर वो लड़खड़ा रही थी ट्रेम्बर्ड मतलब होता है काँप रही थी रोते हुए वो पढ़ रहे थे एंड इट वॉज सो फनी टू हीयर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई और ये इतना मज़ाकिया था उनका पढ़ना रो रो कर पढ़ना कि हम लोग हंसना चाहते थे और रोना भी हाउ वेल आई रेम्बर इट दैट लास्ट लेसन हम कितनी भली बात उस अंतिम लेसन को याद कर सकते थे ऑल एट the चर्च clock स्ट्रक ट्वेल्व अचानक गिरजा की जो घंटी होती है वो बारह बजा देती है देन द एंजल्स फिर प्रेयर होता है प्रार्थना की जाती है एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडोज उसी क्षण प्रशियंस जो सैनिक थे वो लौटते हुए अभ्यास से लौटते हुए उनके ढोल बजते बज रहे होते हैं जो कि खिड़कियों से सुनाई पड़ते हैं एम हेम एल स्टूडअप वेरी पेल इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम सो टॉल एम हेम एल बहुत ही मायूस बिल्कुल रक्ते वो उड़ जाते हैं और मैंने कभी उनको इतना लंबा नहीं देखा बिल्कुल सीरियस होते हैं बिल्कुल टॉल लगते हैं माई फ्रेंड्स वो बोलते हैं माई फ्रेंड्स सेड ही आय आय बट समथिंग चोक्ड हिम ही कुड नाट गो ऑन कहते हैं मेरे मित्रों दोस्तों मैं मैं आए आए बट समथिंग चोक्ड हिम लेकिन उनके गले में कुछ अटक जाता है चोग्ड कर जाता है और वो आगे बोल नहीं सकते देन ये टर्न टू द ब्लैकवर्ड सॉरी ब्लैक बोर्ड टू का पीस ऑफ चौक एम बेरिंग ऑन विद ऑल हीज माइट ही रोट एज लार्ज एज माइड मीन्स पावर फिर वो ब्लैकबोर्ड की और मुड़े और एक टुकड़ा चौक लिया और पूरी शक्ति को इकट्ठा करते हुए अपनी पूरी शक्ति उन्होंने अपनी इकट्ठा की और फिर जितनी लंबी जितनी बड़ी वो लिख सकते थे लिखे क्या लिखे वीव ला फ्रांस वीवला फ्रांस मीस होता है फ्रांस जिंदाबाद वीव ला फ्रांस एक फ्रेंच वर्ड है देन ही स्टॉप्ड एंड लींद वॉल फिर वो रुके और स्वयं को दीवार के सामने टिका दिया मतलब उसी से टिक गए लींद मतलब होता टिक जाना एंड विदाउट ए वर्ड और बिना शब्द बोले ही मेड ए जेस्चर टूअर्स विद हीज हैंड और अपने हाथ से एक संकेत दिया जेस्र मतलब संकेत देना स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो स्कूल समाप्त हुआ और आप जा सकते हैं तो दिस वे द लेसन हैज़ कम टू एन एंड एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर्स एंड वैल्यू पॉइंट्स सो थैंक यू हैव एड गुड डे